गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो मैं बात करूंगा आईपीओ साइकिल का, जिसका फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। बेसिकली दिस इज़ द साइकिल या दिस इज़ द प्रोसीजर जो हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है हमारे किसी भी डेटा को एक तरह से प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहला जो हम उस पर काम करते हैं, हम इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। एज यू कैन सी कि इनपुट डिवाइस मैंने यहाँ लिख रखा है, हम इनपुट डिवाइस जिसके अंदर हमारे कीबोर्ड, माउस जैसे जैसी चीज़ें आएंगी उनके थ्रू मैं अपने डेटा को इनपुट करता हूँ, और उसके बाद वो मेरा डेटा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उसे प्रोसेस करता है। फाइनली जिसका आउटपुट है वो मुझे आउटपुट डिवाइसेस पे होता है शो। तो बेसिकली एक तरह से एक आईपीओ साइकिल एक प्रोसीजर है जो फॉलो करा जाता है किसी भी डेटा को एक तरह से प्रोसेस करने के लिए, जिसमें पहला काम हुआ इनपुट, दूसरा हुआ प्रोसेस करना उसको जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके हिसाब से, और फाइनली जो होता है ये हमारे हमको आउटपुट शो करता है हमारे आउटपुट डिवाइसेस पे जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है। तो सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हमारे जो भी हमारा हम डेटा एंटर करते हैं वो एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोसेस होता है। सो नाउ एट दिस पॉइंट आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर। नाउ आई वॉन्ट कि आप इस आईपीओ साइकिल के वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती सो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, एज माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन दी ग्रुप, तो वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई वुड अप्रिशिएट कि आप इस चैप्टर की एक रीडिंग करें, चैप्टर वन आपका है उसको रीड करें, और उसके अंदर आपको अगेन कोई प्रॉब्लम आती है कि या कोई टॉपिक या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, सो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू एनी इश्यूज विच यू हैव विद चैप्टर वन। थैंक यू।